आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। भैया इसे वहां गलियारे में रख दीजिए। भाभी मैं खोलती हूँ। हाँ जय श्री कृष्णा। आप लोग रुकिए मैं भाभी को बुला के लाती। मोटा भाभी वो रंगाई का काम करने वाले लोग आ गए हैं। चलो अच्छा हुआ। कोकिला चलो हम उन्हें बता देते काम कहाँ से शुरू करना है। हाँ मोटा भाभी चलिए। जय श्री कृष्णा भाभी जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। गोपाल भाई हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। अब घर में रंगाई का काम शुरू करना है लेकिन सबसे पहले मंदिर की रंगाई होगी और उसके बाद ही बाकी कमरों की रंगाई होगी। हमारे पास समय बहुत कम है इसलिए जल्दी जल्दी काम खत्म करना होगा। जरूर। मणि जी। नानी भाभी इनको जो भी सामान चाहिए सीढ़ी वगैरह दिखा दो। गोपाल भाई रंग के नमूने देखना। हाँ जरूर जरूर निकालना। राशि मैं मदद कर दूं? नहीं मैं कर लूंगी। मैं रसोड़े का काम देख लेती हूँ। गोपाल भाई और रंग दिखाइए। यही मौका है मम्मी के पेंटर वाले आइडिया को इस्तेमाल करने का। गोपी तुम घर के बाकी सारे काम खत्म कर लो मैं हॉल का काम खत्म कर लूंगी। ठीक है। Thank you.
अरे वाह, मंदिर के लिए ये रंग ठीक रहेगा। मैं इसका पन्ना मोड़ देती हूँ। गोपाल भाई जी, भाभी जी, मैंने मंदिर के लिए रंग चुन लिया है, आप देख लीजिए। ठीक है भाभी जी। किला, ये आवाज कैसी थी? गोपाल भाई गिर गए और ये देखो ये टूट गया। अरे बाप रे, आपको कहीं लगी तो नहीं? नहीं ठीक है भाभी, मैं ठीक हूँ। वो क्या पैर मेरा फिसल गया था। अच्छा। काम शुरू करने से पहले ही नुकसान शुरू कर दिया। माफ कीजिएगा, ठोकर लग गई। ठीक है, लेकिन आइंदा ध्यान रहे। और हाँ, काम अब जल्दी शुरू कर दो। ठीक है भाभी जी। और हाँ, मंदिर के लिए रंग मैंने चुन लिया है, आप देख लीजिए, और वो ही रंग होना चाहिए। ठीक है भाभी जी। चलो मोटा भाभी। ठीक है, चलो। ये कागड़ी सब पर बहुत हुक्म चलाती है ना, सोचती है भगवान ने समझ सिर्फ उसी को दी है। लेकिन अब देखना इसका ये मैं का घमंड कैसे चूर होता है। भाभी जी, हम बाहर बरामदे में काम कर रहे थे तो ये अंगूठी पड़ गई थी। धन्यवाद। ये तो किंजलबेन की सगाई की अंगूठी है, मैं उन्हें अभी देके आती हूँ, वो बेचारी परेशान हो रही होगी। भैया ये भी लगा देना अच्छे से, मैं अभी आई। मणिबेन, हाँ? आपने किंजलबेन को देखा? हाँ, वो नानी भाभी के कमरे में है। अच्छा, रंगाई का काम तो पहले मंदिर में होगा। एक काम करती हूँ, मंदिर से जोत उठाकर मैं रसोड़े में रख देती हूँ, वरना बुझ जाएगी। भाई आप ये कपड़े से मंदिर क्यों रख रहे हैं? भाभी जी अभी काम शुरू कर रहा हूँ ना, तो कलर के छींटे ना पड़ जाए इसलिए। अच्छा, अब मैं जरा अंदर से जोत ले लूं। हाँ। ये रंग? हाँ बेटा, ये सब आपकी सासू माँ ने पसंद किया था। माँ जी ने? हाँ। अच्छा, किंजल तुम्हारी सगाई में तो हमने कुछ गिने चुने रिश्तेदारों को ही बुलाया था,
लेकिन शादी में मैं सभी रिश्तेदार को बुलाना चाहती हूँ, इसलिए कि अगर कोई भी रिश्तेदार छूट गया ना तो वो बहुत बुरा मान जाएंगे, बराबर ने? लकीली तो नारायण पटेल और परिवार जी माँ, पच्ची छे शांता मासी और परिवार। क्या हुआ? स्याही खत्म हो गई माँ। आटली बात, अलमारी में दूसरी पेन है, ले लो। जी माँ तो यही बैठी है, अब मैं उमंग को फोन लगाऊं तो लगाऊं कैसे? गोपी बाऊ आ जा, मैं तुम्हें ही बुलाने वाली थी। मणि को बोल दो कि दोपहर का खाना यहीं भेज दे। ये रंग रोगन की गंध ना मेरे सर में घुस जाती है, सर दर्द होता है। गोपी बहू किस सोच में पड़ गई हो? माँ जी वो मंदिर का रंग मैंने पसंद किया है। क्यों? गोपी बहू काम शुरू हो गया? जी। ठीक छे, तो तुम उन काम वालों पर नजर रखना, समझी गई? जी। किंजल बेन, आपकी अंगूठी। किंजल बेन, आपकी अंगूठी गलियारे में पड़ी हुई थी, मुझे लगा कि आप परेशान हो रही होगी इसलिए मैं आपको देने चली आई। किंजल, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? नहीं माँ, वो मैं इसी के लिए परेशान थी। ये तुम्हारी सगाई की अंगूठी है, कोई ऐसी वैसी अंगूठी नहीं। तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो? चलो इसे उंगली में पहन लो, ध्यान से पहनो और अब उंगली से निकलनी नहीं चाहिए। और याद रहे दोबारा ऐसी गलती ना हो। करिए ये सब मणिबेन, आप जिगर जी और एम जी के लिए पानी लेके आइए। मुझे नहीं चाहिए। भाभी ये घर की क्या हालत हो गई है? देवर जी आप कमरे में बैठिए, मैं आपके लिए वहाँ चाय भिजवाती हूँ। जिगर भाई पानी। भाभी राशि नहीं दिखाई दे रही कहीं पर। राशि बिन कमरे में। ठीक है। माफ करना साहब, रंगाई से पहले दीवार को खुरचना पड़ता है, लेकिन ये सब कब तक चलेगा? और वैसे भी शाम तो हो चुकी है। भाभी जी ने कहा कि काम जल्दी से जल्दी खत्म करो क्योंकि दिवाली नजदीक है। हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं लेकिन मुझे लगता नहीं कि रात भर में ये काम पूरा हो पाएगा। ठीक है करो। Thank you.
ये अहम अभी तक क्यों नहीं लौटा? अरे कोकिला आता ही होगा। वो क्या है ना, अहम को ये रंग की गंध और धूल से बहुत परेशानी होती है। कह रहा था कि माँ मुझे सर दर्द हो रहा है, सर घूम रहा है, मैं थोड़ा टहल कर आता हूँ। पर उसे गए काफी समय हो गया, अभी तक क्यों नहीं लौटा? वैसे खाना खा के निकला है ना अहम, क्यों है तल? हाँ। अरे चिंता मत करो कोकिला, आ ही जाएगा, अहम बच्चा नहीं है। आज छाछ का मसाला राशि ने खुद बनाया है, बहुत अच्छा लग रहा है। पापा जी आप छाछ लेंगे? नहीं बेटा, थोड़ी देर बाद मुझे एक ग्लास गरम दूध दे देना, नींद अच्छी आती है उसमें। वैसे भी इस रंग रोगन की खुशबू से तो मेरा सर दर्द करने लगता है। भैया सुना है कि रंगाई का काम तो पूरी रात चलने वाला है, तो कोकिला सोने का इंतजाम कहाँ है? पराग भाई, किंजल और अहम का रूम तो तैयार है, पर रंग अभी ताजा ताजा है ना, तो उसकी खुशबू आज का दिन तो रहेगी, और बाकी सब कमरों में अभी काम चल रहा है। अहम छाछ पियोगे? नहीं मॉम। कोकिला मैं ये सोच रही थी कि सारे बिछौने हॉल में कर दे, तो हम सब इकट्ठा होके हॉल में सो लेंगे। काकी हॉल में? अहम बेटा वैसे गोपी के रूम में अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है, तुम ऐसा करो, तुम गोपी के रूम में क्यों नहीं सो जाते? प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।